हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जिन छात्रों का जो है डीवी छूट गया था, उन छात्रों के लिए फिर से मौका यहाँ पर दिया जा रहा है डीवी के लिए। ठीक है, तो किन किन छात्रों के यहाँ पर जो है मौका मिलेगा, शेड्यूल भी जारी हो चुका है आपका, यहाँ पर देखने वाले हैं। द्वारा मौका मिला 25 से 27 तारीख तक का। ठीक है, यहाँ पर मैं RRB अहमदाबाद जोन की बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं, और वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, यहाँ पर पूरा अपडेट मैं देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वेस्टर्न रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02-2018 लेवल 1 की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी के लिए है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लास्ट में नोटिस फॉर एबसेंटी कैंडिडेट फ्रॉम PWBD एक्स सर्विसमैन एंड CCA यानी अप्रेंटिस कैटेगरी के छात्रों के लिए है। तो इस पर फ्रेंड्स हम क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, और इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट फ्रॉम PWBD एक्स सर्विसमैन और CCA यानी अप्रेंटिस छात्रों के लिए है। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर PWBD एक्स सर्विसमैन एंड CCA कैटेगरी कैंडिडेट स्टार्टेड फ्रॉम 12 अप्रैल यानी 12/4/2019। जैसा कि आप सभी को पता है, 12/4/2019 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। ये नोटिफिकेशन स्पेशली PWBD एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस छात्रों के लिए था। ठीक है, ये जो DV स्टार्ट हुआ था इनका, हाउएवर सम कैंडिडेट कुड नॉट एबल टू कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट स्पेसिफाइड डेट। जब आपकी डेट को डेट थी जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आप उस डेट तक नहीं पहुंच पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो रेलवे बोर्ड ने फिर से इन छात्रों को बुलाया गया है। यहाँ पर आगे देखिएगा, दोज कैंडिडेट हु रिमेंड एबसेंट ऑन देयर स्पेसिफिक डेट्स सेल कम बिटवीन 25/4/2019 to 27/4/2019 at RRC Western Railway Mumbai office as mentioned in the call letter। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अप्रैल 2019 से जिन छात्रों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट था वो नहीं पहुँच पाए, एबसेंट रहे किसी कारणवश, उन छात्रों के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी छात्रों के लिए यहाँ पर बुलाया है, जो आपको 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2019 के बीच पहुँचना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने। RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई ऑफिस आपको पहुँचना है अपना सभी छात्रों के लिए DV देने के लिए। ठीक है, एड्रेस ये है आपका, RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई ऑफिस है, जो आपको कॉल लेटर में मेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि नो फर्दर चेंज सेल बी गिवन कैंडिडेट्स हु रिमेन एबसेंट ऑन 25 अप्रैल 2019 to 27 अप्रैल 2019। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 25 अप्रैल 2019 से 27 अप्रैल 2019 के बीच भी नहीं आ पाते हैं, फिर आपके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इन छात्रों से कहना चाहूँगा कि जो छात्र PWBD एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले हैं, वो जो है एबसेंट रहे थे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, तो या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो वो नहीं जा पाए या वो गए नहीं हो, तो उनसे सभी छात्र जो है 25/4/2019 से 27/4/2019 के बीच DV करवाया जाएगा। आप वहां पर जा सकते हैं RRC वेस्ट रेलवे मुंबई ऑफिस में। ठीक है, उन सभी छात्र जा सकते हैं, अपना DV वहां पर दे सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल ये अपडेट था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर। वेटिंग लिस्ट जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, इसमें एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें पोस्ट की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 1216 पोस्ट है शायद, और अप्रेंटिस के लिए 1216 पोस्ट, दोनों के लिए 1216 पोस्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अदर रेलवे जोन की अगर हम बात करें, ठीक है, अदर रेलवे जोन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी सभी जोनों ने मैक्सिमम लिस्ट जारी की थी कि कितने छात्रों को क्वालिफाई किया गया है DV के लिए। अगर उन्होंने लिस्ट जारी नहीं की थी तो कट ऑफ जारी कर दी गई थी, इतनी कट ऑफ जारी की गई है DV के लिए छात्रों को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का अगर अहमदाबाद जोन की अगर हम बात करें, तो अहमदाबाद जोन ने ना ही कट ऑफ जारी की और ना ही आपकी लिस्ट जारी की। ठीक है, तो कुछ भी जारी नहीं किया, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस रेलवे जो अहमदाबाद जोन है, वो कोई भी अपना जो है वहाँ पर ऐसा कोई छात्रों के लिए तसल्ली के लिए प्रूफ नहीं दे रहा है
कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स छात्रों के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जरूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर जो है नहीं दे रहा है आरआरबी अहमदाबाद जोन। अगर हम अदर जोन की बात करें और जोन जितने भी हैं उन्होंने जो है लिस्ट जारी की, अगर लिस्ट जारी नहीं की है तो उन्होंने कट ऑफ जारी की कि इतनी कट ऑफ पर छात्रों को क्वालिफाई किया गया है। बहुत से जोनों ने तो ये भी बता दिया कि इतने गुने छात्रों को हमने लिया गया है डीवी के लिए, लेकिन अहमदाबाद जोन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया और कोई भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। और यहाँ पर मैं अगर डीवी की बात करूँ वेटिंग लिस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है कि जितने ज़्यादा कम छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि आप सेकंड लिस्ट कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। मान लीजिए उनके लिए 1216 जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन वाले में तो एक्स सर्विसमैन को ही रखा जाएगा, चाहे पोस्ट खाली रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें और छात्रों को नहीं बिठाया जा सकता है एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंगली देखा जाए। तब अगर हम अप्रेंटिस छात्रों की बात करें तो अप्रेंटिस वालों की 1216 वैकेंसी है। अप्रेंटिस वाले में अगर वैकेंसी छात्र कम रह जाते हैं, 1216 नहीं मिल पाते हैं, तो वो जनरल ओबीसी एससी एसटी वाले छात्रों को यहाँ पर जो है शिफ्ट कर देंगे 1216 वैकेंसी की, जितनी भी खाली रह जाएंगी उतनी। ठीक है, तो ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है अगर यहाँ पर जितने कम छात्र मिले इस पोस्ट के लिए, ठीक है, अप्रेंटिस वालों के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी, यानी कि सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर अहमदाबाद जोन की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद जोन में जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं, मैंने कई जोनों का जो है एनालिसिस किया, उसमें मैंने बताया भी आपको फुल प्रूफ के साथ, ठीक है, क्योंकि अप्रेंटिस की जितनी वैकेंसी उनसे कम छात्रों को जो है वहाँ पर लिया गया है आपके डीवी के लिए। तो यहाँ पर आप साफ साफ कह सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं कि आपके लिए डीवी के लिए अगर कम छात्रों को लिया गया है अप्रेंटिस वालों के लिए, तो आपकी सेकेंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, और बहुत से छात्र ऐसे हैं कि उनका जो है वहाँ पर, देखिए आरआरबी अहमदाबाद जोन ने ना ही लिस्ट जारी की है कि इन छात्रों को क्वालिफाई किया गया है डीवी के लिए, और ना ही ये लिस्ट बताया है कि इतनी कट ऑफ पर छात्रों को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, तो बहुत से छात्रों के नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका डीवी और मेडिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वो टेंशन ना लें कि उनका जो है हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उनको वेटिंग लिस्ट में नाम दे दिया जाए। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में हो सकता है उनका नाम वहाँ पर आ जाए, तो ऐसे में आपको जो है भविष्य में बुला भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट को लेकर ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए आपने देखा होगा चेन्नई जोन का जिस तरह से वेटिंग लिस्ट को जारी किया गया था, आरआरबी चेन्नई जोन का वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया गया है, मैंने वीडियो में बताया था। वेटिंग लिस्ट देखिए वहाँ पर जितने छात्रों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, अगर उस लिस्ट में जो है वो छात्र और कम पड़ जाते हैं, वैकेंसी जितनी है उतने छात्र भी नहीं मिल पाते हैं, तब जो वेटिंग लिस्ट है उन छात्रों को लिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल पाते हैं वैकेंसी जितने छात्रों को, तो फिर से वेटिंग लिस्ट को जो है जारी किया जाएगा और फिर से छात्रों को लिया जाएगा। वैसे मैं पहले भी ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट के बारे में पूरा आपको डेटा दे चुका हूँ कि वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान रहता है, वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब रहता है, कब तक के लिए वेटिंग लिस्ट जारी रहती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट रहती है, आपको मैंने बताया होगा कि वेटिंग लिस्ट जो है केवल एक साल तक के लिए ही मान्य रहती है। ठीक है, एक साल के अंदर यहाँ कोई छोड़कर चला जाता है जॉब, तब आपको वेटिंग लिस्ट उठाकर वापस शिफ्ट कर दिया जाता है डीबी और मेडिकल करवाकर, या एक कोई जॉब को ज्वाइन नहीं करता उस टाइम में छात्र को वेटिंग लिस्ट उठाकर वापस शिफ्ट करवा दिया जाता है जॉब के लिए डीबी मेडिकल करवा करके। ठीक है, तो ये सभी वेटिंग लिस्ट के फायदे रहते हैं छात्रों के लिए। और अगर कोई अहमदाबाद जोन को लेकर या किसी अन्य जोन को लेकर बीच में कोई अपडेट आएगा, रेलवे ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, ठीक है, जेई की वैकेंसी को लेकर किसी का भी अपडेट हो, ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी एसएससी वैकेंसी किसी का भी हो, एसएससी ट्रिपल एससी बीएड का किसी का भी अपडेट हो, सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको टेक्निकल हिंदी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल ये था पूरा अपडेट। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, आप अपने एडमिट कार्ड को भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन वेस्टर्न रेलवे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो है जो कॉल लेटर है आपका डीवी के लिए वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है यहां से क्लिक करके अपना डीवी का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपन हो चुका है, और इस तरह से आप अपना डीवी का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना। जो छात्र इनका देखिए यहाँ, तो आप देखिए जो छात्रों को बुलाया गया है, ठीक है, वो छात्र अपना डीवी के लिए यहाँ पर जो है चले जाइएगा, यानी कि एडमिट कार्ड जो है एक बार प्लीज चेक कर लें अपने एडमिट कार्ड को फिर से कि उनका कहीं नया एडमिट कार्ड तो जारी नहीं कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो फिलहाल ये था पूरा अपडेट, आगे का अपडेट जो भी रहेगा तो बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।